अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Let us say I write a polynomial here 6x minus 3. I write a linear polynomial 6x minus 3. अब हम क्या करते हैं, I write it down like px is equal to 6x minus 3. अब हम लोग क्या करेंगे, I will try to plot this particular polynomial on a graph paper. I will try to plot this polynomial or this linear expression on the graph paper. अब यहाँ पे before I start plotting this on the graph paper, दो तीन terms हैं उसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वो चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी in the coordinate geometry, right? In a graph we have two axes, this you all know, x and y, right? ये जो x जो होता है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम वैल्यूज अपनी तरफ से असाइन करते हैं, एंड द y जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर उसको हम बोलते हैं क्या नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल, that is known as a dependent variable. तो जब भी आप कोई भी graph draw करते हैं तो पहले आपको ये terms बहुत clear होनी चाहिए कि इन दोनों का difference क्या होता है. X it is a independent variable जिसको हम अपनी तरफ से values assign करते हैं और उसके accordingly जो y की values निकल के आती हैं उसको हम बोलते हैं dependent variable. तो यहाँ पे जो px है इसको हम लोग replace कर देते हैं किससे, y से. So now this becomes y is equal to 6x minus 3. तो यहाँ पे क्या होगा, y is a dependent variable and x is a independent variable. क्योंकि हम x को value अपनी तरफ से assign करेंगे and we will find out the value of y accordingly. तो x की जो values होंगी उसको हम show करेंगे vertical axis पे और जो y की values हैं उसको हम show करेंगे x की values को हम show करेंगे horizontal axis पे और y की वैल्यूज को हम शो करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे. नाउ सिंस इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, आई नीड ओनली टू पॉइंट्स. अगर सपोज मुझे एक पॉइंट ये पता है और एक पॉइंट और पता है तो दोनों पॉइंट को आपस में जॉइन करके वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को और उसके लिए मुझे सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए, दैट मीन्स आई नीड टू पेयर ऑफ एक्स एंड वाई. मुझे दो पेयर एक्स और वाई के फाइंड आउट करने हैं जिसमें हम एक्स को दो वैल्यूज असाइन करेंगे अपनी तरफ से और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम कैलकुलेशन. तो लेट अस से अगर हम यहाँ पे x को वैल्यू x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 इनटू 1 माइनस 3 व्हिच मींस दिस विल बी 6 माइनस 3 दैट इज 3. ऐसे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस से हम x को वैल्यू लेट अस से 0 असाइन कर देते हैं. अगर x को वैल्यू हम 0 असाइन करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू -3. तो यानी कि अब मेरे पास दो पेयर आ गए. आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो पेयर्स मिल गए मेरे को,
1 1 3 और दूसरा पेयर हो गया 0 -3। तो इसको हम लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और इसमें जो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम वाई बोलते हैं। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं एक्स आई और वाई आई। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर किसी भी एक्सप्रेशन को ड्रॉ करते हैं या उसको प्लॉट करते हैं, सो वी फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन वी राइट द वैल्यू ऑफ वाई। सो वी हैव द फर्स्ट पेयर 1 3 और दूसरा पेयर आपका आ गया 0 -3। तो अब हम क्या करेंगे, आई विल फर्स्ट ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आई ट्राई टू प्लॉट दीज टू वैल्यूज। This is your origin. This is x. This is y. This side will take all the positive values. Again, this side going towards north will take all the positive values. This will take the negative values of x, and the vertical going towards the south direction will take all the negative values of y. So these are some of the very very basic things. So ये -1, this is, I'm just plotting the values here. Let's plot the first value. Here x is equal to 1 and y is equal to 3. तो ये आपका हो गया x is equal to 1 और y is equal to 3. तो आप इसको, this is the first point, this is 1 3. दूसरा point लेते हैं where x is equal to 0 और इसमें जो y है वो आपको दिया हुआ है, क्या नाम है, -3. दिस इज -3, ये आपका हो गया क्योंकि x यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो x को हम इस पॉइंट पे लेंगे और -3 ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, से 0 -3। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो लेट्स ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स the coordinate, that means this is the coordinate x of the point where it is intersecting horizontal axis. इस point के ऊपर जो आप x की value देखेंगे, क्योंकि इस x की value के ऊपर y किसके equal आ गया, 0 के equal आ गया, you can see it yourself. This is the value of x where y is equal to 0. ये आपका ये origin है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो आप नोटिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे आके, ठीक है, यहाँ पे वाई किसके इक्वल हो जाता है, वाई बिकम्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब व्हाट इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर the graph intersect with horizontal axis, where graph intersect with horizontal axis. बस ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, this is the perfect definition.
फिर चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे लीनियर है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने उस ग्राफ को प्लॉट करना है और जिन पॉइंट्स के ऊपर वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, वेदर इट इंटरसेक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड और इट मे इंटरसेक्ट ऑन द नेगेटिव साइड, राइट, उस पॉइंट के ऊपर एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑल्दो वी कैन नॉट बी वेरी वेरी प्रिसाइज, बट वी कैन समवॉट प्रेडिक्ट दैट दिस शुड बी समवॉट इक्वल टू लेट अस से 0.5, दिस माइट बी लेट अस से 0.5। तो ये जो डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे, दिस डिस्टेंस विल बी द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट द ग्राफिक, दिस इज द ग्राफिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट द जीरो ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन। सो द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। थैंक यू।